बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर निर्दोष सैनिकों और भारतीयों को निशाना बनाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इस काराना हरकत को देखकर हर भारतीय का खून खोल उठता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इस हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत कड़े कदम आखिर क्यों नहीं उठाता। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में एक समझौता हुआ था और यही समझौता पाकिस्तान के लिए ढाल के तौर पर काम आता है। इस समझौते में दोनों देशों को परमाणु युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए 1991 में पाकिस्तान की दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक करार हुआ था, जिसमें एक दूसरे पर युद्ध की सूरत में भी परमाणु हमले से बचने की बात कही गई थी। इसी समझौते के तहत हर साल की शुरुआत में 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान नई दिल्ली व इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोगों के माध्यम से एक दूसरे को परमाणु संस्थानों व सुविधाओं की सूची सौंपते हैं। कई बार भारत से मुंह की खा चुके और आतंकवादियों के सबसे बड़े पनाहगार मुल्क पाकिस्तान के लिए 1991 का ये समझौता बार बार सुरक्षा कवच के तौर पर काम आ रहा है। हालांकि शांति की राह पर चलने वाले भारत ने कभी भी किसी मुल्क पर पहले हमला नहीं किया है और पाकिस्तान शायद इसी का फायदा उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।